फ्रेंड्स, सो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक लार्ज बैटरी फ्रॉम अ स्मॉल बैटरी ग्रुप। हम छोटे छोटे बैटरियों को जोड़कर बड़ी बैटरी कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, जो बाइक होती है, उसमें इस टाइप के बैटरी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग बैटरी को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करके हम उसका वोल्टेज इंक्रीज करते हैं और करंट रेटिंग को इंक्रीज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने चार सेल लिया हुआ है। चार सेल में क्या करते हैं कि हम इसकी पॉजिटिव को शॉर्ट कर देते हैं, सारी पॉजिटिव को, क्योंकि हम अभी पैरेलल में कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो मैंने सारा पॉजिटिव कनेक्टेड कर दिया। अब हम यहाँ पर अगर आउटपुट देखते हैं तो हमें कितनी वोल्ट आएगी, हमें 1.2 वोल्ट ही आएगी। और जो हमारे ईएच की वैल्यू कितनी होगी, हमारे 900 एमएएच एक बैटरी की है, तो एक सेल की है, तो अब हमें कितनी मिल जाएगी, 900 एमएएच इंटू 4, सो कितनी आ जाएगी, 3600 एमएएच। तो आप देख सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन जब भी होगा तो उस केस में क्या होगी कि जो आपकी करंट रेटिंग है वो बढ़ रही है, जबकि वोल्टेज रेटिंग आपकी सेम है, जैसा कि हम सीरीज पैरेलल कनेक्शन में करते हैं। अब आइए हम उसके बाद सीरीज कनेक्शन करते हैं। आपकी सीरीज कनेक्शन में क्या होती है कि आप जब भी वोल्टेज इसमें लगाते हैं सीरीज में, तो आपकी वोल्टेज जो क्या होती है, ऐड हो जाती है। जैसे इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव से इसकी निगेटिव से इसकी पॉजिटिव कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी वोल्टेज ऐड हो जाएगी, 1.2 वोल्ट। सो कितनी वोल्ट आ जाएगी टोटल, आपकी 3.6 वोल्ट आ जाएगी। और जो एमएएच रहेगी, 900 एमएएच, आपकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारा सीरीज में करंट सेम होता है बट वोल्टेज ऐड हो जाएगी इस बैटरी में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसे सीरीज कनेक्ट कर लिया, इसे सीरीज कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको कितनी वोल्टेज आएगी, ये 900 ईएच की है और ये 1.2 वोल्ट की है। तो अगर आप सीरीज में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1.2 वोल्ट हो जाएगी, 1.2 प्लस 1.2 कितनी हो जाएगी, 2.4 वोल्ट, और करेंट रेटिंग सेम रहेगी। तो अगर हम इसको कर देते हैं तो जब हमारा एक से 2.4 और 900 एमएएच आ रहा था, तो दूसरी दो आप ऐसे पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 2.4 वोल्ट। सिमिलरली 2.4 वोल्ट, क्योंकि आपने यहाँ पर जोड़ा जो है 2.4 वोल्ट मिला है, इसमें भी आपको 2.4 वोल्ट मिला है, तो आपकी वोल्टेज कितनी आ जाएगी, 2.4 वोल्ट। और जो 900 एमएएच जो आपकी करंट कॉन्स्टेंट थी, दोनों को अगर आपने पैरेलल में लिया तो कितनी हो जाएगी, 1800 एमएएच। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं और सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब एक सवाल आता है कि क्या आप अलग अलग एमएएच की बैटरी रेटिंग को, जैसे एक आपके पास 900 एमएएच की है और दूसरी 2400 एमएएच की है, बट वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो आप इस टाइप की बैटरी को क्या कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज पर? नो। अगर इस टाइप की बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। मैं दिखाता हूँ कि अगर आपकी एक बैटरी है, मीन्स मैं बैटरी का ही सिंबल बना देता हूँ, इस टाइप की बैटरी में अगर मान लीजिए 900 एमएएच की है और ये 2400 एमएएच की है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपका बैटरी ये वाला जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा और इसमें डिस्चार्ज हो जाएगा, तो क्या होगा कि वोल्टेज भी कम हो जाएगी। तो जब वोल्टेज कम हो जाएगी तो मे बी आपको यहाँ से आपको 1.2 वोल्ट की जगह 1.0 वोल्ट मिलेगी और यहाँ पर 1.2 वोल्ट रहेगी, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी वोल्टेज लो हो जाएगी, तो वहाँ पर आपका काम नहीं होगा। और हम जब पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि पैरेलल में जब आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू निगेटिव, तो इस कंडीशन में क्या होगी, जैसे आपकी 900 एमएएच की है, 900 की है, ये 2400 की है, तो जब ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये ट्राई करेगा इसमें करंट पुश करने के लिए, तो जिसके चलते आपकी प्रॉपर वर्किंग नहीं हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप कि आपको सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।